माई चैनल और वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो जी हाँ, फाइनली हमें जमशेदपुर में घर मिल गया है, तो आज आपको भी दिखा देते हैं हमारा नया घर। जी हाँ, तो इस तरीके का ना साइड में खुला स्पेस हमें मिल रहा है, खुला छत में मिल रहा है और एक छत ऊपर की तरफ भी है, तो ये काफ़ी हमें अच्छा लगा। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर चलने से पहले इस तरीके का कुछ एंट्रेंस गेट है यहाँ पर, और ये है हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है, तो सामान हमारा ज़्यादातर आ जाएगा। यहाँ पर जो सामने कॉर्नर है वहाँ पर हम बेड रखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो किंग साइज बेड है, तो एक बेड यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा जो कॉर्नर है जो हमें घर में एंटर होते ही दिख रहा है वहाँ पर हम रखेंगे फिश टैंक, ताकि जब भी हम घर में एंटर हो तो हमें हमारी फिश दिखाई दे। तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम। आगे चलेंगे तो देखने को मिलेगा किचन। तो किचन भी यहाँ पर मॉड्यूलर टाइप का है, आप देख सकते हो काफ़ी सफिशेंट है दो जन के हिसाब से, और ये घर ना नया ही बना हुआ था तो बहुत ही अच्छा है, उस हिसाब से हमें ज़्यादा सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए किचन है, और यहाँ पर ना सुबह जल्दी आके हमने पूजा कर ली थी, भगवान जी की स्थापना कर ली थी, ताकि सामान कभी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद हम अच्छे से सामान अनलोड कर सकते हैं पूजा करने के बाद। और यहाँ पर मैं ना साइड में मैं गंगा जल का पाउच खोल रही थी ताकि सारे घर में मैं छिड़क सकूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर रूम की। देखिए तो इस तरीके का यहाँ पर स्टोर रूम भी दिया गया है, ताकि वॉशिंग मशीन है और कोई भी चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छे से स्टोर हो जाएगी। एक्स्ट्रा बेसिन भी दिया गया है, वो भी एक अच्छी बात है, कभी भी गेस्ट होंगे ज़्यादा लोग होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। फ्रीज भी हमारा यहाँ पर किचन में ही आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फ्रीज आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक जनरल वॉशरूम दिया गया है, और दो वॉशरूम है, एक रूम में है और ये जनरल है। तो ये है हमारा बेडरूम, ये देखिए ये भी काफ़ी स्पेशियस है, हमारा बेड भी आ जाएगा, साथ ही साथ कपड़ों का जो रैक है वो भी आ जाएगा। तो ये देखिए, और यहाँ पर जो पंखे है, पर्दे के पाइप है, ट्यूबलाइट है, सब अटैच्ड ही था घर के साथ, तो हमें लेने का कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, अच्छी बात है। यहाँ पर एक और वॉशरूम है, आप देखिए ये वाला वॉशरूम है, तो दो वॉशरूम होने की वजह से भी कभी भी गेस्ट होंगे ज़्यादा लोग होंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये है दूसरा वॉशरूम। तो इस तरीके का ना हमारा नया घर है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ पर मैं ना सारे घर में मैं गंगाजल छिड़क रही थी, क्योंकि सामान आधे घंटे के अंदर ही आने वाला था, तो यही सब पूजा मैंने सबसे पहले ही जल्दी आके कर लिया था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये घर कैसा लगे। आपको आगे के वीडियो इसी घर में से आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल में बने रहिए। तो और साथ में यहाँ पर ना एक मिरर भी देखिए दिया गया है, देखिए इस तरीके का, तो वो भी हमें लेने का कोई टेंशन नहीं है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अरेंज, पहले से ही जो ज़रूरत की चीज़ें वो हमें दी गई है। तो यही था हमारा घर, और देखिए सामान भी आ गया था और बहुत ही अच्छे से उन लोग ने अनलोड कर दिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।